था वो 22 के आसपास था और अब 1.8 की रेंज में आ गया। आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स, जानेंगे उनसे कि किस प्रकार उन्होंने गंभीर समस्या में क्रिएटिनिन 22 से लेकर और एक तक ये लेकर आए हैं पेशेंट, एक क्रिएटिनिन 22 से लेकर एक क्रिएटिनिन थर्मारेटर की दवाई, फिर जानेंगे उनसे क्या नाम है पेशेंट। नरेंद्र कुमार नाम है उसका, कहाँ के रहने वाला, पन्ना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिजपुर विलेज है वहाँ से। अच्छा, और ये कौन है आपके पेशेंट? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है। जब आए थे तो क्या क्या दिक्कत आ रही थी? जब आया था इसका क्रिएटिनिन 22 के आसपास था। हाँ। और इसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी और बॉडी में स्वेलिंग थी, इचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में और डायलिसिस पे था पेशेंट। डायलिसिस पे था। तो अभी डायलिसिस करा रहे हैं इनका? अभी डायलिसिस इसका हो रहा है और अभी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल आने वाली हैं, मतलब उसका ब्लड हीमोग्लोबिन तो हल्का कम है लेकिन जो क्रिएटिनिन है उसका 1.8 से बना हुआ है। 1.8 हो गया, 22 से लेके 1.8 आ गया, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और इसका जो ब्लड यूरिया है वो 46 के आसपास आ गया है। 46 हो गया है, वो तो नॉर्मल हो गया यूरिया उसका, पहले तो ये बढ़ा हुआ था काफ़ी यूरिया इसका, 236 के आसपास आ रहा था। यस सर। और अभी फिलहाल तो उसको यूरिन पास नहीं हो रहा है और हल्का फेस में स्वेलिंग रहती है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं उसका, बाकी नॉर्मली ही है, खाना भी अच्छा खाता है और हल्का फुल्का घूम भी लेता है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमको अभी मेडिसिन लेते हुए 5 मंथ हो गए हैं। पहले से फिजिकली बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना? पहले से फिजिकली बहुत बढ़िया है और इस बार पिछली बार जो मेडिसिन लेके गए थे उस बार से अभी वेट भी उसका इंक्रीज हुआ है। और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट्स आए हैं आपको। यस सर। और 22 से जो क्रिएटिनिन है वो 8 आया और फिर ये 1.8 की रेंज में आ चुका है, काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आए। तो क्या मैसेज देना चाहोगे? 22 तो बहुत ज़्यादा होता है क्रिएटिनिन, और नॉर्मल की रेंज में आ गया इनका क्रिएटिनिन। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो लोग किडनी ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, जिनकी किडनी श्रिंक हो गई है या कोई दूसरी किडनी से रिलेटेड समस्या है, ऐसे लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेकर के कर्मा आयुर्वेदिक में जाएँ और वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं तो उनको बेहतर इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। डॉक्टर लाल पैथरा की रिपोर्ट है, नरेंद्र कोरी, इन्होंने टेस्ट कराया है ये जीन से, हरियाणा से। और हरियाणा में रहते हैं? नहीं सर, हरियाणा से नहीं है ये, है आपका पन्ना से। पन्ना कहाँ है ये? पन्ना ये मध्य प्रदेश में आता है। 23 अक्टूबर 2020 की रिपोर्ट है, क्रिएटिनिन 22 है और यूरिया जो है वो 236 के आसपास है। और उसके बाद जब इन्होंने टेस्ट कराया है तो ये क्रिएटिनिन का हो गया 8.7 और यूरिया जो हो गया वो 97.8 के आसपास आ गया। देख सकते हैं आप रिपोर्ट किस तरीके से इंप्रूवमेंट है। और उसके बाद फिर एक और टेस्ट इन्होंने कराया, इसमें क्रिएटिनिन 1.8 हो गया और यूरिया जो है 46.12 हो गया। ये अभी की रिपोर्ट है सर, ये 2 और 3 फरवरी के आसपास की रिपोर्ट। हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं नरेंद्र को। और 22 से लेके 1 की रेंज में भी क्रिएटिनिन है, सल्फिर रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। बस उसको यूरिन पास होने लगे तो वो भी होगा, पहले से अच्छा इंप्रूवमेंट है। स्टॉप किडनी डायलिसिस।